देखिए, कामयाब होने के लिए तालीम ज़रूरी नहीं है। तो फ्रीलांसिंग में भी वो आपकी डिग्री नहीं मांगते कि आप डिग्री दिखाएंगे तो हम आपको फ्रीलांसिंग पे रखेंगे। तो एजुकेशन आजकल के दौर में तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने जॉब लेनी है, क्योंकि जो एआई है वो एक रोबोट है और जो आपका टीचर है वो एक जानदार इंसान है जिसे आप ज़्यादा जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रोबोट के साथ एक इंसान कनेक्ट नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद गुलशेर खान। आज के पॉडकास्ट में मैं आपको सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान में नौजवानों के तालीम के हवाले से बात करेंगे, जिसके लिए मैंने माहिर तज़ज़िया निगार अहमद शेख साहब को बुलाया है। अहमद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती टाइम दिया। आपका शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। जी, बहुत शुक्रिया, आपका तो बड़ापन है। अहमद शेख साहब, आप देख रहे हैं जिससे पाकिस्तान के सियासी हालात बिल्कुल नहीं ठीक और माशी हालात भी नहीं ठीक। तो चाहे जो नौजवान है वो तालीम याफ्ता है और जो तालीम याफ्ता नहीं है वो भी मुल्क से बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल में पाकिस्तान को यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत होगी, यूनिवर्सिटी तालीम की ज़रूरत होगी? हाँ जी, तालीम हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है। आप जैसा कि जानते हैं कि पहली तालीम का जो बच्चे के लिए होती है, जैसे ही वो पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो पहली तालीम का बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके वालदैन उसकी परवरिश करते हैं, तरबियत करते हैं। उसके बाद बच्चे के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इधर से ही वो तालीम हासिल करता है। हाँ ठीक है, आजकल के दौर में आप कह सकते हैं या फ्यूचर में आप कह सकते हैं कि तालीम के बहुत से फॉर्म्स सामने आ जाएंगे, जैसे वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब है और गूगल है, मतलब नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन जो यूनिवर्सिटी में जाके एक तालिब इल्म पढ़ता है, तो वो साथ में एक्टिविटीज़ करता है, असाइनमेंट्स बनाता है, एक स्ट्रक्चर लर्निंग आपको यूनिवर्सिटी से मिलती है। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक बात करें, तो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे जो हैं वो एक माहौल मिलता है उनको, प्रैक्टिकली वो चीज़ों को सीखते हैं। टीचर से जिस तरह आपका एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, जिससे आप ज़्यादा जल्दी चीज़ें पिक कर पाते हैं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ़ आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से कि यूनिवर्सिटी मुस्तकबिल में भी अहम हिस्सा रखती है। अच्छा, इसके अलावा आप समझते हैं कि नौकरी के लिए तालीम की ज़्यादा ज़रूरत होती है या तजर्बे की उस काम के सिलसिले में? क्योंकि अगर सपोज करें मेरी एक कंपनी है तो मैं उस एम्प्लॉय को रखूँगा जिसको पहले तजर्बा होगा, ना कि उसको जो कि फ्रेश ग्रेजुएट होगा। अगर हम बात करें नेशनल ब्यूरो ऑफ रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, कि जब किसी भी आपको अच्छी कंपनी में अगर जॉब चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में या बाहर चाहिए, तो उसके लिए आपकी हायर एजुकेशन देखी जाती है, नो डाउट, साथ एक्सपीरियंस भी देखा जाता है। अगर हम लेबर ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स की बात करें, जिनकी हायर एजुकेशन है वो ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं बनिस्बत इनके जिनकी लोअर एजुकेशन है, जो कम पढ़े लिखे हैं वो अर्निंग कम कर रहे हैं, और जिनकी एजुकेशन ज़्यादा है वो अर्निंग ज़्यादा कर रहे हैं। कंपनीज़ भी जब आपको जॉब देती हैं, वो तो वो चीज़ ये चीज़ देखती हैं कि आपके पास हायर एजुकेशन है या नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस आज ज़रूरी होता है, एक्सपीरियंस से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको ज़्यादा सैलरी मिल जाती है, लेकिन अगर आपकी लोअर एजुकेशन, एक्सपीरियंस ज़्यादा है लेकिन फिर आपको सैलरी ज़्यादा नहीं देते। जी अहमद साहब, आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? अगर सपोज किसी के पास तालीम बहुत कम है लेकिन वो उस फील्ड के में महारत बहुत ज़्यादा रखता हो, तो क्या वो कामयाब हो सकता है या उसके लिए भी उसे तालीम मज़ीद हासिल करनी चाहिए? देखिए, कामयाब होने के लिए तालीम ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तालीम आपको एक कम्युनिकेशन स्किल्स देती है, आपने किस तरह लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, किस तरह आपने चीज़ों को देखना है, किस तरह आपने नॉलेज को समझना है, मतलब समझने की आपकी सलाहियत बढ़ जाती है तालीम से। लेकिन यही जो सलाहियत है आपकी, जितना आपका एक्सपीरियंस होता है, जितना आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, जितना आप अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को देखते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं उठते हैं, तो ये चीज़ें आपको वहाँ से भी मिलती हैं। तो अगर हम फ्यूचर में बात करें कि हम एक जिसकी तालीम नहीं है वो सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं हो सकता, डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकता है। इस तरह के हमारे पास कई केसेस हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत कामयाब हुए हैं, जिन्होंने अपनी स्कूल लेवल एजुकेशन भी पूरी नहीं की। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर स्टीव जॉब्स की, जो कि उसके को फाउंडर हैं एप्पल के। उन्होंने अपनी तालीम पूरी नहीं की, लेकिन वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े रेस्टोरेंट के ओनर हैं, जिन्होंने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया एक कुक से। उसके बाद अगर आप बात करें मिशेल डेल की, जो उसके फाउंडर हैं,
डेल कंप्यूटर्स के, उन्होंने भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की और एक अच्छी उन्होंने अपनी एक कंपनी, एक जानते हैं कितना नाम है डेल का। तो ये हमारे पास्ट के कुछ केसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो तालीम इसके लिए ज़रूरी नहीं है। तजर्बा बहुत ज़्यादा मैटर करता ही है। जी बिल्कुल, तजर्बा मैटर करता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है, स्किल्स मैटर करते हैं। आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के लिए जॉब करें। क्या मुस्तकबिल में आप कम तालीम के साथ लेकिन ज़्यादा महारत के साथ आप देख कह सकते हैं कि कंपनियां उनको मुलाजम रख सकती हैं? आज भी ऐसा हो रहा है, अगर मुस्तकबिल की आप बात कर रहे हैं, आज भी आप देख सकते हैं कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, मैं छोटी कंपनीज़ की बात नहीं करूँगा, बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे गूगल, एप्पल और हिटलन, स्टारबक्स, ये कंपनीज़ भी एम्प्लॉयज़ को जॉब दे रही हैं, जो जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, अच्छे स्किल्स हैं जिनके पास। अब गूगल में भी कई ऐसे टेक्निकल लोग काम कर रहे हैं जो कि अच्छा आईटी के बारे में जानते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनकी उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, उनके स्किल्स इतने ज़्यादा हैं कि गूगल ने उनको जॉब्स दी हुई हैं। इसी तरह एप्पल में भी बात करें तो एप्पल में भी इस तरह के लोग काम कर रहे हैं। हिटलन जो कि एक रेस्टोरेंट की चेन है, उसमें भी काफ़ी लोग इस तरह के काम कर रहे हैं जो इस चीज़ के बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, जानते हैं, स्किल्स रखते हैं। और स्टारबक्स में भी इसी तरह लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी पैसा भी कमा रहे हैं। ये नहीं कि उनकी कम सैलरीज हैं, काफ़ी अरसे से वो जॉब्स कर रहे हैं, गूगल में भी, एप्पल में भी, स्टारबक्स में भी, हिटलन में भी, और उनकी जॉब्स भी दो, उनकी जो सैलरीज हैं वो 2, 3, 4 लाख से कम नहीं है। तो इस तरह के लोग अभी भी आज के दौर में भी काम कर रहे हैं, फ्यूचर में भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी अगर आपके पास तालीम ज़्यादा नहीं है। और मेरे ख्याल से कि फ्यूचर में जो आगे दौर आ जाएगा उसमें तो जॉब की ज़रूरत नहीं रहेगी, बिज़नेस के फॉर्म्स आपके पास इतने खुल जाएंगे कि आप किसी भी फॉर्म में कुछ भी करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। ऑनलाइन इतने आपके पास फ्रीलांसिंग के काम हैं जिनके लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास कोई स्किल है, आप बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी राइटिंग कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स भी बनवाते हैं फ्रीलांसिंग से, तो आपके पास अगर इस तरह के कुछ भी स्किल्स हैं, आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, तो फ्रीलांसिंग में भी वो आपकी डिग्री नहीं मांगते कि आप डिग्री दिखाएंगे तो हम आपको फ्रीलांसिंग पे रखेंगे। तो आप उसमें भी आप इजीली अर्निंग कर सकते हो और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं डॉलर्स में, ऐसा हमारे स्टूडेंट अर्निंग कर रहे हैं और काफ़ी जो नौजवान है वो अर्निंग कर रहे हैं, जो बड़ी एज के लोग हैं वो भी अर्निंग कर रहे हैं। बस इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है, फ्रीलांसिंग वर्ल्ड किस तरह काम करता है। फिर इसी तरह हम अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी भी एक ऐसी दुनिया है जिसके लिए आपको किसी स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको स्किल्स की ज़रूरत है, इसके लिए आपको स्किल्स की ज़रूरत है, आपको जानने की ज़रूरत है कि वो सिस्टम किस तरह काम करता है, या आप कुछ ऐसे लोगों के साथ अटैच होते हो जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, उनको वो तजर्बा हासिल हो। बिल्कुल वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो आप उनके साथ जुड़ के आप और अच्छा कर पाते हो, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाते हो। और ऐसा है, क्रिप्टो करेंसी में कई लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं और उनकी डिग्री कोई नहीं देखता, ना ही उनकी एजुकेशन का किसी को पता है, लाखों में करोड़ों में कमा रहे हैं लोग। तो एजुकेशन आजकल के दौर में तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपने जॉब लेनी है, लेकिन एजुकेशन मेरे ख्याल से ज़रूरी इसलिए होनी चाहिए कि आप किसी भी नॉलेज को अगर आपने समझना है तो एजुकेशन अगर आपके पास होगी, आप अच्छा पढ़े लिखे होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैट्रिक पास हैं और कोई एक स्टेटमेंट है वो इंग्लिश में लिखी हुई है, तो मेरे ख्याल से एक मैट्रिक पास के लिए वो स्टेटमेंट पढ़ना इतना इजी नहीं होगा। अगर वो नॉलेज उसके पास ज़्यादा होगा, उसने इंटर किया होगा या ग्रेजुएशन की होगी, तो वो उसको ईजीली पढ़ लेगा। तो इसलिए नॉलेज एजुकेशन आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को समझने के लिए, कुछ फिलोसफिकल चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, कुछ आपकी बॉडी से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड आपको अपने बारे में जानना हो, तो उसके लिए भी आपके आज एजुकेशन आपके लिए ज़रूरी है। अहमद साहब, आजकल जैसे ये चैट जीपीटी आ रहा है, एआई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इनसे बच्चों को बहुत आसानी मिल रही है अपने तालीम के हवाले से। तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ का आप कुछ देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं तालीमी लिहाज से? देखिए, एआई टेक्नोलॉजी जो है वो एक, उसको पॉजिटिव टेक्नोलॉजी भी आप कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं। उसके पहले पॉजिटिव बात करेंगे कि एआई से हम काफ़ी इश्यूज़ हैं जो सॉल्व कर सकते हैं,
जैसे गूगल पे हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, हमें किसी चीज़ के बारे में जानना होता है, जी तो उसके बारे में हमें काफ़ी आर्टिकल्स आ जाते हैं, हमें एक एक को ओपन करके देखना पड़ता है, अपने मतलब की चीज़ ढूंढनी पड़ती है उसमें से, गूगल में से। लेकिन एआई ने ये चीज़ें आसान कर दी हैं, आपने जस्ट एक अपना सवाल उसके सामने रखना है और उसने उसका आपको जवाब दे देना है। तो इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी ईजी हो गया है, चिटिंग करना उनके लिए ईजी हो गया है, असाइनमेंट्स वो कॉपी ईजीली कर सकते हैं और वो डाटा ईजीली ढूंढ सकते हैं, तो उनके लिए नॉलेज इकट्ठा करना भी इजी हो गया है। कहीं से कोई जवाब उन्हें नहीं समझ आ रही, वो एआई पे लिख के उसका जवाब ले लेंगे। तो इस तरह आप नॉलेज काफ़ी इकट्ठा कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आप एआई से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिलोसफिकल नॉलेज चाहिए आपको, साइंस के रिलेटेड नॉलेज चाहिए आपको, इंजीनियरिंग से रिलेटेड नॉलेज चाहिए आपको, किसी किस्म का भी नॉलेज चाहिए आप एआई से ले सकते हैं। ठीक है, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी पे कि अगर जो लोग स्कूल नहीं जा सकते या जो लोग किताबें नहीं पढ़ सकते, और शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज आप इसे कह सकते हैं कि आप डायरेक्ट एक चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं नॉलेज की अपने अंदर, लेकिन इससे अगर आप कहें कि यूनिवर्सिटी का रोल ख़त्म हो जाएगा, टीचर्स का रोल ख़त्म हो जाएगा, तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करूँगा। क्योंकि टीचर्स जो हैं वो आपको फेस टू फेस जब पढ़ाते हैं तो साथ उनके जो इमोशंस हैं वो आपके साथ कनेक्ट करते हैं, वो जब आपको समझा रहे होते हैं तो उनके साथ आप कनेक्ट कर पा रहे होते हैं। क्योंकि जो एआई है वो एक रोबोट है और जो आपका टीचर है वो एक जानदार इंसान है जिसे आप ज़्यादा जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रोबोट के साथ एक इंसान कनेक्ट नहीं कर सकता, उसकी फीलिंग्स के साथ अटैच नहीं हो सकता। तो कुछ चीज़ें समझने के लिए इंसानी इमोशंस का भी होना बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ों को समझने के लिए, वरना वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो यूनिवर्सिटीज़ का किरदार मेरे ख्याल से फ्यूचर में भी रहेगा, क्योंकि एआई ना ही आपको प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोवाइड करेगा, ना ही आपको स्ट्रक्चर लर्निंग प्रोवाइड करेगा, ना ही आपको करिकुलम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी में ही मिलेंगी। अगर आप कह दें कि यूनिवर्सिटीज़ को हम खैरबाद कह दें और एआई से हम डिग्रीज लेना शुरू कर दें, तो फिर वो आप भी रोबोट ही बनेंगे आगे जाके। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने एक तो हमें टाइम दिया और जिस खूबसूरती से आपने इन सारे सवालों के जवाब दिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी नाज़रीन, तो देखा आपने कि माहिर तालीम अहमद शेख साहब ने किस खूबसूरती के साथ बताया कि मुस्तकबिल में, चाहे मुस्तकबिल हो या तालीम, बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने किसी इस फील्ड में कामयाब होना है तो उसके लिए तालीम भी ज़रूरत है, लेकिन तजर्बा भी बहुत ज़रूरी है। आज के पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।